खैबर पख्तूनख्वा के जिला बड़ग्राम में पाश्तो के मकाम पर चेयरलिफ्ट की रस्सी टूट गई। उस्ताद समेत 8 तुलबा फंस गए। चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी। पाक आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन मसरूफ। चेयरलिफ्ट फंसे का वाकया सुबह 8:30 बजे पेश आया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की बड़ग्राम में पाश्तो के मकाम पर चेयर लिफ्ट में फंसे 8 अफराद को फौरी रेस्क्यू करने की हिदायत। खस्ता हाल और हिफाजती मयार पर पूरा ना उतरने वाली चेयर लिफ्ट को फौरी बंद करने की भी हिदायत कर दी। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 4 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, 2 जख्मी हो गए। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में पाक फौज के 6 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान रेंजर्स ने भारत की तरफ से स्मगलिंग की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक 29 जुलाई तक 3 अगस्त दरअंदाजी की कोशिशों में 6 भारतीय स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार स्मगलरों के खिलाफ पाकिस्तान में गैर कानूनी दाखिले पर पाकिस्तानी कानून और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर कार्रवाई होगी। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम नून मरीम नवाज को शुगर मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। नैब में मरीम नवाज की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। सदर फैसले पर नजरसानी करें और मामले की तहकीकात कराएं। ओहदे से हटाए जाए गए सेक्रेटरी का सदर को खत। वकार अहमद ने लिखा, सदर इस मामले की FIA या किसी और एजेंसी के जरिए तहकीकात करा सकते हैं। बिल्स के हवाले से किसी बेजाबतगी का जिम्मेदार नहीं हूँ, दावा किया। ताखिर और खिलाफ वर्जी के इल्जाम के बरअक्स बिल से मुतालिक दस्तावेजात अभी तक सदारती एवानों में मौजूद है। मेरी खिदमात वापस करने का फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हटाने के लिए सदर मुमलिकत के अहकाम की तामील न हो सकी। इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बगैर पोस्टिंग तबादले हो सकते हैं। न हुकूमत पर सदर की दरख्वास्त लाजिम है। नारकोटिक्स डिवीजन की सेक्रेटरी की हैसियत से काम करने वाली 22 ग्रेड की अफसर हुमेरा अहमद ने सदर पाकिस्तान की प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमात अंजाम देने से इनकार कर दिया। साफर केस की गिरफ्तारी की तर्दीद। असद उमर मंजर आम पर आ गए, कहते हैं मेरी गिरफ्तारी की गलत खबर थी, FIA ने गिरफ्तार नहीं किया था। असद उमर की साफर केस में 29 अगस्त तक उबूरी जमानत मंजूर। खुसूसी अदालत ने साबिक वजीर के उबूरी जमानत मंजूर की, FIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। लंदन में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग के कायद नवाज शरीफ की 2.5 घंटे तवील मुलाकात। सियासी सूरतेहाल और आम इंतखाबात पर तफसीली तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मसाइल पर भी गुफ्तगू। महकमा मौसमियात ने बुध से मुल्क में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। बारिशों का ये सिलसिला 27 अगस्त तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 अगस्त को बहराए अरब में मानसून हवाएं और मगरबी हवाएं पाकिस्तान के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। सदारती इलेक्शन में अमरीकी रियासत जॉर्जिया के इंतखाबी नतीजे पलटने का मुकदमा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल खुद को जेल हुकाम के सुपुर्द करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अदालत में पहली पेशी से पहले साबिक सदर और 18 शरीक मुलजिमान ने खुद को तहवील में देना है। और रूस की जानिब से चांद तक रवाना किए जाने वाला मिशन आखिरी लम्हात में कमरी सतह से टकरा कर तबाह हो गया। 1974 के बाद रूस ने एक जदीद खलाई जहाज चांद पर रवाना किया था, जिससे पहले चांद के गिर्द मदार में चक्कर काटे। मिशन को चांद के एक गड्ढे के करीब उतरना था। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।